रोजर जब लपीते के पपीतों को झूलते हुए देखता है तो मन ही मन कहता है किसी का सवाल बन गई तो किसी का ख्याल बन गई तेरी छोटी सी बूबू मोहतरमा लपीते पूरे पपीते की दुकान बन गई निखरता सबाब बन बन गई गई गजल की किताब मोहतरमा लपीते पूरे पपीते की दुकान बन गई घर की नवाब बन गई आसिक का खब बन गई सुलगते कोयलों की चिंगारी बन गई घर की नौकरानी की देखो बड़ी सी पपीते की दुकान बन गई तेरी छोटी सी बूबू मोहतरमा लपीते लाजवाब बन गई कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम है रोजर वो मोहतरमा लपीते जिसके बड़े बड़े हैं पपीते के साथ अपने घर आ रहा है कैद खाने से छुट्टी पाकर यानी कि उसके हॉस्टल की छुट्टियां पड़ी हुई है रास्ते में बहुत खड्डे होने के कारण घर की नौकरानी मोहतरमा लपीते के पपीते झूलने लगते हैं रोजर जब मीठे मीठे पपीतों को झूलते हुए देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो मन ही मन कहता है किसी का सवाल बन गई तो किसी का ख्याल बन गई तेरी छोटी सी बुबू मोहतरमा लपीते पूरे पपीते की दुकान बन गई निखरता सबाब बन गई गजल की किताब बन गई मोहतरमा लपीते पूरे पपीते की दुकान बन गई घर की नवाब बन गई यासिक का खाब बन गई सुलगते कोयलों की चिंगारी बन गई घर की नौकरानी की देखो बड़ी सी पपीते की दुकान बन गई तेरी छोटी सी बुबू मोहतरमा लपीते लाजवाब बन गई लपीते उसकी तरफ मुस्कुरा देती है रोजर अपने घर पहुंचता है और तभी रोजर की मदर की नजर उसकी पैंट पर पड़ती है वो पूछती है की ये तुम्हारी पैंट पर सफेद सफेद किस चीज का दाग है उसकी पैंट का सफेद होने का मतलब हम सभी समझ जाते हैं की मोहतरमा लपीते की दुकान देखकर रोजर के घोड़े ने थूक फेंक दिया तभी रोजर की मौसी मार्गरीटा कहती है कोई बात नहीं इस उम्र में घोड़े थूक फेंकते रहते हैं है कहती है लाओ इसे मैं साफ कर देती हूँ हम देखते हैं रोजर की छोटी बहन को जिसका नाम बार्था है और इन दोनों की खुली चलती है बार्था रोजर को घुमाने के लिए जंगल में लेकर जाती है रोजर को यहाँ पर मोहतरमा लपीते मिलती है वो रोजर को अपने फलों की टोकरी थमा देती है और वहीं पर खड़ी खड़ी मूद देती है बाकी मेरे नजरिए से ऐसा करना पॉसिबल नहीं लड़कियों के लिए अगर वो खड़ी खड़ी ऐसे करेंगी तो उनकी सुसु उनकी टांगों से बहकर उनके जूतों में घुस जाएगी चलो छोडो इस बात को हम आगे बढ़ते हैं ये सब देखकर रोजर चौक जाता है कहता है बहन की टेंट ये मैंने क्या देख लिया क्योंकि मोहतरमा लपीते ने अपनी गुफा के दरवाजे पर पर्दा नहीं टांगा था यानी कि कच्ची नहीं पहनी थी अगर एक दिन रोजर जंगल में अकेला घूम रहा था तो उसे आह उह, की आवाज आती है 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 वो सोचता है किसी को चोट लगी है, मदद की जरूरत है इसीलिए वो चेक करने के लिए जाता है है और पाता है कि उसके घर की मेड मोहतरमा उला को किसी ने दबोच रखा है और उसके रेस कोर्स पर अपने घोड़े की दौड़ लगवा रहा है ये देखकर फिर से रोजर चौक जाता है और मन ही मन कहता है तेरे रेस कोर्स पर मैं अपना घोड़ा दौड़ा दू आजा तुझको मैं जन्नत की सैर करा दू मेरे घोड़े की सांसों में घुल जाने दे धूल आ तेरे रेस कोर्स पर मैं अपना घोड़ा दौड़ा दू आग लग रही है मेरे घोड़े में सुलग रहा हूँ बरसते सावन में चलो ना पूरी तरह से बहग जाते हैं आज अपनी ताकत आजमाते हैं मोहतरमा उर्सवला उसकी तरफ हंस देती है अब रात हो जाती है तो सभी लोग डिनर करते हैं डिनर करने के बाद रोजर अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तभी उसे बाहर लोबी से कप प्लेट बजने की आवाजें आती है वो तुरंत जाकर चेक करता है और देखता है कि उसके घर की मेड़ किसी के दरवाजे के आगे झुकी हुई है और कोई पीछे से रूम के अंदर से ही उसका गेम बजा रहा है काम पूरा होते ही दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है और मेड़ वहाँ से चली जाती है ये सब देख रोजर का घोड़ा दौड़ लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है वो अपने घोड़े को शांत करते हुए बिस्तर की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर वो अपनी छोटी बहन को पाता है वो पूछती है तुम्हारे पजामे में क्या है वो कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं बस मुझे सोने दो छोटी बहन पूछती है क्या तुमको लगता है हमारी मौसी मार्ग खूबसूरत है वो कहता है हाँ छोटी बहन मार्था बताती है कि मोसी मार्गरीटा का रेस कोर्स बिल्कुल न्यू है किसी भी घोड़े ने आज तक उनके रेस कोर्स पर दौड़ नहीं लगाई यानी कि वो अभी तक सील पैक है रोजर पूछता है तुम्हें कैसे पता कि उनका रेस कोर्स बिल्कुल न्यू है मार्था बताती है हमारे घर की मेड जब बाकी मेड को बता रही थी तब मैंने सुन लिया था रोजर पूछता है की फिर अभी तक उन्होंने शादी क्यों नहीं की मार्था बताती है की उन्हें मर्दों के घोड़े ऐसी डर लगता है रोजर पूछता है पर वो तो मिस्टर फ्रेंक पर लट्टू है मार्था कहती है मिस्टर फ्रेंक तो हमेशा दूरबीन ऐसी ऊपर तारों की खोज में लगे रहते हैं है अगले दिन हम देखते हैं रोजर की बड़ी बहन अलीशा और उसके फादर आए हैं घर के सभी लोग उनका स्वागत करते हैं अलीशा सबको गले से लगाकर किस करती है और रोजर से सिर्फ हाय हेलो करके चली जाती है रोजर सोचता है साली अपनी किस्मत तो गधे के लोड़े से लिखी गई है अब आगे हम देखते हैं कि उर्सुला ऊपर कुछ काम कर रही है और रोजर नीचे से झाक कर उर्सुला की अली बाबा वाली गुफा देखने की कोशिश कर रहा है तभी एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है कहता है साले धीचो भाग जा यहाँ से और उसके मुँह पर घास फेंक कर मारता है रोजर हताश होकर वहाँ से वापस चला आता है तभी यहाँ पर बारथा आती है उससे उसकी बदहवासी देखी नहीं जाती तो वो उसे कुछ मजे दिलाने के लिए चर्च ले जाती है जहाँ पर एक पादरी सभी का कन्फेशन सुनता है मतलब की कि अगर किसी से जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो वो यहाँ आकर कन्फेस्ट कर सकता है जिससे ईश्वर उन्हें उनके गुनाहों के लिए माफ कर देगा बारथा रोजर को चर्च में एक छुपी हुई जगह दिखाकर वहाँ से चली जाती है जहाँ से वो बड़ी आराम से किसी का भी कन्फेशन सुन सकता है तभी उसकी मौसी मार्गिटा कन्फेस करने आती है वो कहती है मुझसे कुछ पाप हो गया है गुरुजी। अभी कुछ दिन पहले मेरा नेफ्यू रोजर घर आया है और जब मैं बिल्कुल नंगी थी तब वो मुझे बात टब में नहलाने के लिए आया था मैंने उसके शरीर को छुआ और देखा की वो भी बिल्कुल नंगा है और पाया की उसका घोड़ा दौड़ लगाने के लिए तैयार है वो मेरे सामने खड़ा था और उसने अपना घोड़ा मेरे मुँह में डाल दिया कहती है गुरु इस तरह की इमेजिनेशन मेरे दिमाग में हर रोज आती है और बस यही मेरा पाप है ये सुनकर ऊपर छुपा रोजर चौक जाता है तभी अचानक से वो ऊपर से नीचे गिर जाता है पादरी उसे पकड़ लेता है और उसे सभी घर वालों के सामने पेश करता है रोजर की मोम इन सभी में बहुत सख्त थी तो वो अपनी बहन मार्ग्रिटा से उसके चुटड़ो पर दस जोरदार पिलवाती है जिसके बाद रोजर अपने रूम में जाकर रोने लगता है तभी उसको फिर से वही कप प्लेट की खनखनाट की आवाज सुनाई देती है वो लपक कर देखता है की घर की मेड हिलन को किसी ने पीछे से दबोच रखा है और उसके रेस कोर्स पर अपना घोड़ा दौड़ा रहा है लेकिन रोजर को ये नहीं पता चल पाता की उस घोड़े का मालिक कौन है परंतु इस बार रोजर के साथ साथ मिस्टर फ्रेंक भी घोड़े की दौड़ देख रहे थे रोजर उनको देख लेता है मिस्टर फ्रेंक वहाँ ऐसी तुरंत भाग जाते हैं तभी वहाँ पर उर्सूला पहुँचती है पूछती है अभी भी चु में दर्द हो रहा है तो वैसलिन लगा दू वो मना कर देता है और पूछता है की हिलन यहाँ पर हर रोज कप प्लेट लेकर आती है और ना जाने कौन उसका गेम बजा देता है 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 उर्सुला कहती है, ये कॉन्फिडेंशियल इसका रहस्य एरिया 51 की तरह है, जिससे कभी भी पर्दा नहीं उठेगा आगे इस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए वो मिस्टर फ्रैंक के पास जाता है क्योंकि वो भी तो ये घोड़े की दौड़ देख रहे थे वो देखता है कि मिस्टर फ्रैंक अपनी दूरबीन से तारों की खोज में लगे हैं मिस्टर फ्रैंक जैसे ही रोजर को देखते हैं चुंधिया जाते हैं और वहाँ से नौ दो ग्यारह हो जाते हैं तो दूरबीन से देखता है कि आखिरकार मिस्टर फ्रैंक दूरबीन से देखते क्या हैं। वो दूरबीन से देखता है तो पता है कि दो साहब बुरी तरह से आपस में लिपटे हुए हैं और घचागच कर रहे हैं रोजर को वहाँ पर एक किताब मिलती है वो जैसे ही उस किताब को खोल कर देखता है तो पता है कि उसके की उसके अंदर सविता भाभी की कहानियाँ लिखी है रोजर उस किताब को दुबका लेता है और वहाँ से निकल लेता है वो ऊपर से नीचे आ रहा था तो उसे अपनी मोम के कमरे में से कुछ आवाजें सुनाई देती है क्या चल रहा है ये देखने के लिए वो की होल से झाँकता है लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन अलीशा का मंगेतर उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेता है वो कहता है की मैं तुम्हारी ये हरकत सभी को बताऊंगा रोजर उसके सामने मिमियाने लगता है कहता है कहता प्लीज किसी को मत बताना मैं तुम्हारे सारे काम करूंगा तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे भी साफ करूंगा अगले दिन हम देखते हैं कि वो रोजर से अपने तो साफ नहीं करवाता पर अपनी जैसी गाड़ी जरूर साफ करवाता है जिसके बाद रोजर सविता भाभी की कहानियां पढ़ने के लिए घोड़ों के अस्तबल में जाता है तभी वहाँ पर एक मजदूर आ जाता है जिसे देख वो छिप जाता है और इतनी ही देर में घर की मेड हेलन मुर्गियों को दाना डालने आती है वो मजदूर बड़ी ही चलाकी उसको फा देता है और पीछे जाकर उसके मैदान में अपना घोड़ा दौड़ाता है तबड़क 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 हेलन उसे जोर जोर से दो मुझे। लेकिन मजदूर को उस पर जरा भी दया नहीं आती वो अपना गर्म लोहा उसके अंदर पीटता रहता है पीटता रहता है पीटता रहता है अब हेलन को इतनी शिद्दत से मदद मांगते देख रोजर उसको वहाँ से निकालने के लिए आगे बढ़ता है तो वो रोजर से कहती है बस एक मिनट रुक जाओ कोई जल्दी की बात नहीं है और उसे वहाँ भाग जाने के लिए कहती है अगले दिन रोजर मौका पाकर अपनी बड़ी बहन अलीशा की बुक को सविता भाभी की बुक से रिप्लेस कर देता है और बाहर से छुपकर देखता है की उसका क्या रिस्पॉन्स आता है उसकी बहन जैसे ही किताब खोल देखती है तो शर्म ऐसी पानी पानी हो जाती है और उस बुक को छुपा लेती है रोजर का घोड़ा जोर मार रहा था तो वो मोहतरमा लपीते को लपेटने के लिए उसके पास पहुँचता है और उसे पीछे से दबोच लेता है लपीते झूठ मूठ का बचाव करते हुए अपनी चोली उठा देती है और इससे पहले कि वो अपने घोड़े को अंदर घुसाता बाहर से आवाज आती है कि जर्मनी ने फ्रांस आरोप हमला कर दिया है ये सुनकर सभी लोग दौड़ बाहर आ जाते हैं घर पर सभी लोग पार्टी कर रहे थे क्यूँकी युद्ध के लिए गाँव के सभी मर्दों को जाना था मिस्टर फ्रेंक बहाना लगा देते है की उनको अस्थमा है वो युद्ध के लिए नहीं जा सकते तभी यहाँ पर खुशी ऐसी खिलखिला जंग जीत ली हो और कहता है सायर सी मेरी पहचान कहा किराए का मेरा मकान कहाँ रोक ले कोई मेरे घोड़े को इतनी अब किसी में जान कहाँ थामेंगी अब ये सब हथियार मेरा इस घर में अब कोई मर्द कहाँ ये कहने के बाद वो उन सभी कमीनों का यहाँ से जान का इंतजार करता है अगले दिन सभी की सभी औरतें अपने मर्दों को जंग के लिए रवाना कर देती है अब रोजर अपने घोड़े के लिए मैदान ढूंढने लग जाता है उसे उर्सुला मिलती है जिसकी वो एक बेड के गद्दे को ऊपर कमरे में शिफ्ट करने में मदद करता है और उसी गद्दे पर उसकी आरोप देग अदागत पेल पेल सुझा देता है रोजर इतना खुश था जैसे कि उसे ब्रह्मांड का सारा खजाना मिल गया हो क्योंकि ये उसका पहली बार जो था रोजर की छोटी बहन बार था उससे कहती है कि मोम ने चर्च के पादरी को बुलाया है कुछ कन्फेस्ट करने के लिए चलो सुनते हैं मोम पादरी से कहती है मेरे नीचे बहुत खुजली होती है मैंने अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाया लेकिन उस खुजली का कोई तोड़ नहीं निकल पाया मैंने अपने हस्बैंड से भी बहुत खुजलवाया लेकिन मुझको चैन न आया हस्बैंड ने अलग अलग पोजीशन का तरीका अपनाया फिर जाकर मुझको चैन आया तो सरकार मैं ये जानना चाहती हूँ की ये कोई पाप तो नहीं है ना अलग अलग पोजिशन में खुजली खुजलवाना पादरी कहता है अरे नहीं 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 ये कोई पाप नहीं है इतने में ही रोजर को उनकी बातें सुनते हुए उसे पकड़ लेती है और उसे डांटने लगती है वो कहता है इस पूरे गांव में कोई मर्द नहीं है जो मुझे पकड़ सकती के। वो पादरी की तरफ देख कहता है कोई मर्द हो ना हो पर ये ठुल्ला बिल्कुल भी मर्द नहीं है आगे हम देखते हैं घर की सैफ घाट के किनारे बैठी है रोजर वहाँ जल परे की तरह पानी के अंदर से जाता है और उसके सामने नंगा खड़ा हो जाता है वो उसका घोड़ा देखकर कर मंत्र मुग्ध हो जाती है और रोजर को अपनी घाट का पानी पिलाती है रात में हम देखते हैं कि रोजर अपनी मौसी मार्गरीटा के रूम में जाकर लेट गया है मार्गिटा पूछती है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो वो कहता है मैं तो गुड नाइट बोलने आया हूँ मार्गरीटा बोलती है गुड नाइट अब जाओ यहाँ से वो मौसी से कहता है तुम वर्जी वर्जिन कैसे हो सकती हो अब तो मैं भी वर्जिन नहीं रहा और कहता है कर दे नजरे करम मुझ पर मैं तुझ पर अपने सामान की बोछार कर दू दीवाना हूँ पेल, पेल, देगा देगा आगे वही कप प्लेट वाली हिलन फिर से आती है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खुलता तो वो रोजर के रूम में चली जाती है रोजर उसको उसी के स्टाइल में पीछे से पेल देता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोजर की बड़ी बहन घोड़े के अस्तबल में जा रही है तो रोजर भी वहाँ उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है और उसे कहता है तुम परेशान लग रही हो लाओ तुम्हारे पैर दबा दू वो उसके जूते उतारता है और उसके कपड़े उतारने लगता है वो पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो वो कहता है तेरी जैसी खूबसूरत पूरी दुनिया में में नहीं नहीं वो चीज मांग रहा हूं जो मेरे मुकद्दर किस्मत का लिखा तो मिल जाएगा वो चीज मांग रहा हूँ घोड़े की किस्मत में नहीं बस फिर क्या था वो उसकी अस्तबल में ले लेकर उसको अस्तमा कर देता है आगे हर रात रोजर के कमरे के बाहर लाइन लगी रहती है इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रोजर का दिल दूसरों के लिए कितना धड़कता है कुछ दिनों बाद अलीशा उससे आकर कहती है कि वो प्रेग है और तभी खबर आती है कि वो खत्म हो चुका है और सभी लोग वापस अपने घर आ रहे हैं रोजर को डर लगने लगता है कि कहीं सारी की सारी औरतें प्रेग्नेंट ना हो जाए और होता भी ऐसा ही है वो सभी की सभी प्रेगनेंट हो जाती है उर्सुला उसके रूम में आती है कहती है मैं प्रेगनेंट हूँ फिर उसकी मोसी मार्ग्रीटा कहती है मैं भी प्रेगनेंट हूँ रोजर सोचता है इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई तो सोलूशन निकालना ही पड़ेगा वरना बीच चौराहे पर मेरे चूतड़ो पर गोली मारी जाएगी सभी मर्द घर वापस आ चुके हैं तो सबसे पहले रोजर एलिशा से कहता है कि तुम अपने मंगेतर के पास जाकर उससे अपनी पिल जिससे सबको ये लगेगा की वो बच्चा तुम्हारे मंगेतर का है रोजर अलीशा के बेड आरोप लाल नेल पॉलिश डाल देता है ताकि उसके मंगेतर को लगे की वो सील पैक थी आगे वो मार्गरीटा को बुलाता है कहता है की तुम मिस्टर फ्रेंक के साथ चांद तारो की सैर पर जाओ और पानी की खोज करो ताकि वो बच्चा सबको मिस्टर फ्रेंक का लगे रोजर उर्सुला के पास जाता है और देखता है की उर्सुला ने तो पहले से ही अपने लिए काड़ा ढूंढ रखा है और वो तीनों एक साथ यही आरोप शादी कर लेती है रोजर ने अपने सारे दुष्कर्म छिपा दिए थे तो वो चैन की सांस लेता है और एक बार फिर से कप प्लेट वाली के साथ चाय पीता है कुछ दिनों बाद सभी के पेट गुब्बारों की तरह फूल जाते हैं रोजर की छुट्टियां खत्म हो गई थी तो वो अपने हॉस्टल जाने के लिए तैयार होता है तभी वो कप प्लेट वाली मेड रोजर के पास आती है कहती है मैं भी प्रेगनेंट हूँ रोजर कहता है की तुम्हारे लिए भी अब पति ढूंढना होगा वो कहती है टेंशन नोट मुझे तो कोई भी अपने रूम में अंदर खींच लेता है मैं तो ये बच्चा किसी का भी बता दूंगी जिसके बाद रोजर अपने बच्चों को यही छोड़कर हॉस्टल के लिए रवाना हो जाता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है इसी के साथ चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद